नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड सिनेमा विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित और लोकप्रिय सिनेमा है। आए दिन यहां कोई ना कोई कलाकार स्टार बनता है, तो कोई स्टार अपनी लगातार सभी फिल्में फ्लॉप होने के चलते इंडस्ट्री से ही गायब हो जाता है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अपने 100 से ज्यादा साल पूरे कर चुकी है, जिसमें 4 से 5 पीढ़ियां बीत चुकी हैं और हर एक पीढ़ी के अभिनेता हो या अभिनेत्री ने अपनी कलाकारी, अदाकारी और अभिनय से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। बदले में उनके फैंस ने भी उन्हें नेम, फेम, इज्जत, शानो शौकत और बहुत प्यार दिया है। इस रिपोर्ट में हम आपके लिए कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां लेकर आए हैं, जिसमें कलाकारों के संघर्ष के दिनों से लेकर उनके स्टार बनने तक के बारे में बताएंगे। सोशल मीडिया पर हर समय आप अपने फिल्मी सितारों के बारे में कहानियां पढ़ते और सुनते रहते हैं। इंटरव्यू हो या फैन पेज हो, आज के आधुनिकता के इस दौर में चारों ओर बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपको आपके पसंदीदा अभिनेताओं के जीवन पर करीब से नजर डालने में मदद करती हैं। इतने सालों में कई ऐसे किस्से बने और बिगड़े हैं जो इस फिल्मी दुनिया के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। कई सारे ऐसे रोचक किस्से हैं जो आपको जुबानी रचे होंगे, और आज हम आपको आपके सितारों के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। एक ऐसा सीन जिसके लिए आमिर खान 12 दिन तक नहाए नहीं थे। फिल्म गुलाम का क्लाइमेक्स सीन 10 से 12 दिनों में शूट किया गया था। ये एक फाइट सीन था जिसमें आमिर को खलनायक ने बहुत पीटा, जिसके चलते आमिर के चेहरे पर बहुत सारा खून और गंदगी जमा हो गई थी। उन्होंने क्लाइमेक्स पूरे होने तक अपने चेहरे के लुक की सटीकता और स्थिरता बनाए रखने के लिए 12 दिनों तक नहाए नहीं थे। शायद इसीलिए आज उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है। जब 11 साल की उम्र में आलिया ने दिया अपना पहला ऑडिशन, आलिया भट्ट ने ब्लैक के लिए ऑडिशन दिया जब वो केवल 11 साल की थी। जब निर्देशक संजय लीला बंसाली डोला रे डोला गाने को शूट कर रहे थे, तब आलिया भट्ट ने पहली बार इसी गाने पर सबके सामने अपना ऑडिशन दिया था। वो एक ऐसी परियोजना पर एक साथ सहयोग करने वाले थे जो भौतिक नहीं थी। आमिर खान की लगान में बॉलीवुड सिनेमा के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा ब्रिटिश अभिनेताओं को किया गया कास्ट। आमिर खान की फिल्म लगान उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट में सबसे टॉप पर है, जो सबसे ज्यादा चर्चित हिंदी भाषा फिल्मों में से एक रही, जो आज भी लोगों के जहन में है। इसमें चंपानेर नामक एक छोटे शहर के लोग और किसान वहां की सरकार और अपने राजा के लगान माफ कराने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए सहमत होते हैं। स्वाभाविक रूप से फिल्म को सफल बनाने के लिए, कई भूमिकाओं को निभाने के लिए इस फिल्म में बहुत सारे ब्रिटिश अभिनेताओं को कास्ट करने की आवश्यकता पड़ी, जो अभी तक की हिंदी फिल्म जगत में सबसे ज्यादा थी। मुगले आजम मूल रूप से एक त्रिभाषी फिल्म में हुई तैयार। महाकाव्य मुगले आजम के प्रत्येक सीन को त्रिभाषी हिंदी, अंग्रेजी और तमिल भाषा में शूट किया गया था। हालांकि जब फिल्म का तमिल वर्जन रिलीज हुआ तो इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। लगभग उसके तुरंत बाद फिल्म के अंग्रेजी वर्जन को एक नाटकीय रिलीज होने से रोक दिया गया था। फिर उसके बाद अंत पर जब फिल्म का हिंदी वर्जन रिलीज किया गया तो इसने पर्दे पर अभूतपूर्व प्रदर्शन किया और ये फिल्म उस समय की सबसे हिट फिल्म साबित हुई थी। जब अपनी ही पत्नी का इंटरव्यू लेते समय सुनील दत्त हो गए थे खामोश। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले सुनील दत्त रेडियो सिलोन के लिए रेडियो जॉकी के रूप में काम किया करते थे। उस समय की सुपरस्टार अभिनेत्री नरगिस, जो उनकी सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस थी, वो उनके क्रश हुआ करती थी। सुनील दत्त का हमेशा से ये सपना रहा था कि वो एक ना एक बार अपने शो पर नरगिस का इंटरव्यू जरूर लेंगे। हालांकि जब उन्हें नरगिस का इंटरव्यू लेने का मौका मिला और जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो उनके सामने एकदम खामोश पड़ गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जिसके चलते उनको शो को उसी समय रद्द करना पड़ा था। हालांकि नियति की कुछ और ही योजनाएं थी। कुछ साल बाद उन्हें नरगिस के साथ फिल्म मदर इंडिया में उनके साथ काम करने का मौका मिला। शूटिंग के दौरान दोनों में प्यार हो गया और बाद में उन्होंने शादी कर ली। जब राज कपूर के गैराज में रहा अनिल कपूर का परिवार। ये बॉलीवुड के बारे में उन अज्ञात तथ्यों में से एक है जिससे शायद ही कोई जानता हो। अभिनेता अनिल कपूर, जो आज के मशहूर और सफल अभिनेताओं में से एक हैं, जब उन्हें अपने परिवार के साथ पहली बार मुंबई वो आए थे तो वो अपने पूरे परिवार के साथ राज कपूर के गैराज में रुके थे। बाद में वो मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र में कमरे के आवास में शिफ्ट हो गए थे।
जब डीडीएलजे के लिए पहली पसंद शाहरुख नहीं टॉम क्रूज थे। ये जानकर आपको थोड़ा झटका लगेगा और आपको इस बात पर शायद यकीन भी ना करें कि ये सत्य है कि बॉलीवुड की अभी तक की सबसे प्रतिष्ठित लोकप्रिय फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में मुख्य भूमिका का किरदार निभाने के लिए शाहरुख खान पहली पसंद नहीं थे बल्कि सैफ अली खान थे। यही नहीं, हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को भी मुख्य भूमिका के लिए ऑफर दिया गया था, पर अंत में शाहरुख खान को ही साइन किया गया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। जब एक ही फिल्म में करीना ने पहने 130 से ज्यादा कपड़े। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेबो के नाम से मशहूर करीना कपूर के नाम वैसे तो कई सारे रिकॉर्ड हैं, लेकिन उनका एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक कोई हीरोइन नहीं तोड़ पाई है। फिल्म हीरोइन में करीना कपूर ने दुनिया भर के टॉप फैशन डिजाइनरों द्वारा 130 से ज्यादा अलग अलग कपड़े पहने थे। ये बताया गया है कि फिल्म के लिए करीना की अलमारी अब तक की बनाई गई सभी बॉलीवुड फिल्मों में सबसे महंगी थी। हिंदी फिल्म जगत का सबसे लंबा गाना है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सबसे लंबा गाना कौन सा है और किस फिल्म में ये रिकॉर्ड गाना दर्ज है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि साल 2004 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों का ही गाना अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का अभी तक का सबसे लंबा गाना है और अभी तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है। इकलौती फिल्म जिसमें शशि कपूर बने अमिताभ के बड़े भाई। सभी जानते हैं कि 70 के दशक की सबसे फेमस जोड़ी अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की थी। 70 के दौर में दोनों ने एक साथ कई फिल्में की और हमेशा शशि कपूर अमिताभ बच्चन के छोटे भाई के रोल में ही नजर आते थे। सिलसिला 1981 एकमात्र फिल्म है जिसमें शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन के बड़े भाई की भूमिका निभाई। अन्य सभी फिल्मों में जैसे कि देवर, सुहाग, दो और दो पल और नमक हलाल जैसी फिल्मों में हमेशा शशि कपूर खलनायक के छोटे भाई का रोल ही अदा करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।